आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस पावर पैक सैलेड और वो है मैक्सिकन सैलेड। ये सैलेड इतना कलरफुल और अपीलिंग है, इसे देखते ही आपको इसे खाने का मन करेगा और यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी भी है। तो चलिए बनाते हैं हमारा मैक्सिकन सैलेड। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1/2 कप पर्पल कैबेज, 1/2 कप ग्रीन कैबेज, 1 कप लेट्यूस लीव्स, 1/2 कप रेड बेल पेपर, 1/2 कप येलो बेल पेपर, 1/2 कप कुकुम्बर यानी ककड़ी, 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स, 8 से 10 स्प्रिंग अनियन के बल्ब्स, 1/2 कप चेरी टोमेटोज, हरा धनिया, पुदीना, 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार और 5 से 6 लहसुन की कलियां। हमने हमारे सभी वेजीज को इस तरह चॉप कर लिया है। सबसे पहले बनाएंगे हम हमारा ड्रेसिंग। ये ड्रेसिंग हमारे सैलेड में टेस्ट और फ्लेवर्स ऐड करेगा। तो एक सिलबट्टे में लेंगे हम हमारे लहसुन की कलियां और इन लहसुन की कलियों को हम इस तरह रफली मैश करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया, इसे भी हल्के से मैश करेंगे। आगे इसमें हम ऐड करेंगे पुदीना, इसे भी मिला लेंगे और मैश करेंगे। अब इन चीज़ों को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इस मिक्सचर में ऐड करेंगे हम ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बेस्ट होता है हमारे सैलेड्स के लिए, तो ये मैं 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब आगे इसमें हम ऐड करेंगे नींबू का रस, रोस्टेड जीरा पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और चाट मसाला। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार, तो ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ। एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारी ड्रेसिंग अब तैयार हो चुकी है। अब ड्रेसिंग बनाने के बाद एक बाउल में लेंगे हम लेट्यूस लीव्स, पत्ता गोभी, पर्पल पत्ता गोभी यानी पर्पल कैबेज, रेड बेल पेपर्स, येलो बेल पेपर्स। अब आगे डालेंगे स्लाइस की हुई ककड़ी यानी कुकुम्बर, और अब इसमें जाएगा हमारे स्प्रिंग अनियन के बल्ब्स, स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स। अब डालेंगे चेरी टोमेटोस। अब इन सब वेजीज को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब आगे इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार और हमारी ड्रेसिंग जो हमने बनाई थी उसे भी हम ऐड कर देंगे। अब इस सैलेड को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारी ड्रेसिंग और सभी वेजिटेबल्स अच्छी तरह मिक्स हो। ये हमारा हेल्दी न्यूट्रिशियस मैक्सिकन सैलेड तैयार है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करेंगे। एक बात आपको याद रखनी है, इस सैलेड को सर्व करने के 5 मिनट पहले ही आपको आपकी ड्रेसिंग और वेजीज को मिक्स करना है ताकि इसका क्रंचीनेस और टेस्ट बरकरार रहे। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस मैक्सिकन सैलेड।